जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है, मैं ऑर्डर बता देता हूं आपको, कैलोरीमेट्री है ना, फिर उसके बाद में हीट ट्रांसफर पर आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कहीं से कहीं तक मैकेनिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं और समझना बहुत आसानी से हम करेंगे करेंगे थर्मोडायनेमिक्स भी इसके बाद में करेंगे, सीक्वेंस में चलता रहेगा। अभी तो खूब सारे चैप्टर हैं, अभी इसके आगे चार पांच चैप्टर हैं जो हम इस सीक्वेंस में करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा बोलो, अच्छा आफ्टरनून में, एक मिनट में बताता हूँ आपको। इसमें है आपका ये स्कॉलर बैच है ना, तो उसमें होगा न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ और फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर इस ऑर्डर में चलेगा, ठीक है? ओके, तो आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड कीजिए, और जिसका जो टॉपिक हो चुका है उसको मत करना, और जिसका नहीं हुआ है वो जरूर क्लासेस अटेंड करें। तो चलिए, मेरा नंबर ये लो जी, मेरा नंबर हाँ बच्चा, बाकी लोगों को दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ तो हाँ जी, अरे मजा आ रहा है आज तो, बहुत ही एनर्जी है क्लास में। तो सेंटर ऑफ मास का अपन कुछ करेंगे है ना, अप्रैल वाले बच्चों अभी चिंता मत करो, सेंटर ऑफ मास का अपन आधा नहीं छोड़ेंगे, उसको खत्म करेंगे कहीं ना कहीं। अभी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, हाँ उसकी एक्स्ट्रा कर लेंगे ना, ताकि वो खत्म कर दिया जाएगा है ना। बाकी लोग जो अरे रुक तो जाओ, कि अप्रैल वाले बैच का मैं बता देता हूँ बाकी लोगों को, कि थोड़ा सा टॉपिक बीच में रुका हुआ है, तो मैं उसको खत्म करके फिर वहां पर अप्रैल बैच वाले का कोई आगे क्लास नहीं होगी, तो वो एक्स्ट्रा क्लास कब होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, ताकि वो टॉपिक खत्म हो जाए, और वो एकदम मतलब ऐसा आधा अधूरा होगा ना, तो ऐसा लगेगा कि यार हुआ भी नहीं और टाइम भी वेस्ट हो गया, इसीलिए अपन उसको खत्म करके फिर उसको एक्स्ट्रा को खत्म कर देंगे। तो हाँ हाँ कोई समस्या, कोई कुछ कह रहा है? हाँ रिवीजन क्लास में वो होगा, लेकिन अभी वो बीच में रुक जाएगा ना। अरे जैसे अभी आपने वो पढ़ लिया ना, तो ऐसा क्या होता है कि एक टॉपिक एक ही बंदा पढ़ाए तो सही रहता है, एक ही टीचर पढ़ाए तो सही रहता है ना, नहीं तो सभी का तरीका अलग होता है, मैं कुछ अलग ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, कोई और कुछ अलग ऑर्डर में पढ़ाएगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो वो इस वजह से एकदम फ्रेशली मैं उसको खत्म करवा दूंगा और फिर सही रह जाएगा। हाँ अब बात आ रही थी केवीपीआई की, तो केवीपीआई क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए अलग अलग पेपर होता है। क्लास 11 का जो सिलेबस है उसमें हल्का फुल्का क्लास 10th का सिलेबस भी जुड़ा हुआ होता है, और आप अगर पेपर देखेंगे केवीपीआई का तो आपको लगेगा कि इसमें मतलब कर सकते हैं, उसमें भी आपको हल्के फुल्के सवाल मिलेंगे इधर उधर के है ना, आपको भी हल्के फुल्के सवाल मिलेंगे इधर उधर के, कि भाई ये आपका 10th वाली चीजें मिल गई, जैसे करंट वरंट मिल गया, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं मिलेगा। तो वंस अगेन केवीपीआई में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड हैं जो केवीपीआई में, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीआई? हाँ तो जी, तो एक काम करते हैं, मैं पहले सबसे पहले ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ है ना, और फिर उसके बाद में जब एक बार ये ओलंपियाड के एक बार गो थ्रू कर लीजिए, साथ ही साथ में केवीपीआई के भी आपको कलेक्ट करके दे दूंगा, ठीक है? अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप एग्जिट मारो, फिर से एंट्री मारो। अच्छा अभी यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग आ गया मेरे पास, रुक जाओ। हाँ एक मिनट, ओके, अरे अरे, अरे और ओफो ओफो रुक तो जाओ। हाँ अब आ गई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हमारा ये टॉपिक, हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री और थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोमेट्री। हाँ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ एग्जिट मार के वापस आ जाओ, बिल्कुल एग्जिट मार के वापस आ जाओ।
ठीक है। तो चलो, तो मैं बताता हूं कि यार ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कैलोरी मैट्री, अगर डिफिकल्टी वाइज बात की जाए तो ये इजी और मॉडरेट के बीच में आता है। अगर मैं बात करता हूं इसकी महत्व की, इंपॉर्टेंस की, तो इस पर सीधे सवाल मिलना थोड़ा चांसेस कम है। अरे भाई प्रेजेंट मत करो रे, कौन कर रहा है ये? कौन है? तन्मय बच्चा, अगर एक बार और अगर ऐसा हुआ तो आई'ल यू नो किक यू आउट ऑफ द क्लास। तो जूनियर साइंस और साइंस, व्हाट इज द डिफरेंस? ओम कह रहा है भाई, जूनियर साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस है? ये कहां से पढ़ा जूनियर साइंस तुमने? हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? एक मिनट मैं करता हूं काम। तो एक मिनट यार, फिर से पूरा करना पड़ेगा, रुको। हाँ, अरे रुक तो जा, मेरी स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं है। रुक तो जा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अब दिखेगी तेरे को, दिखे क्या? हाँ, ठीक है, अब सही है, अब सही दिख रहा है, स्क्रीन अभी लोड हो रही है ना, व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके परफेक्ट। हाँ जी, तो चलो 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 चलो। हाँ अरे रुक जाओ, पहली बात, नमो चिंता मत करो, पहली क्लास है, थोड़ा अकोमोडेट होने में टाइम लगेगा, नए लोग हैं तो पहली क्लास ऐसे ही होंगे ना, थोड़ा आप मुझे जानेंगे, थोड़ा सा आप मैं आपको जानूंगा, तो थोड़ी सी पहली क्लास में मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कतें होंगी। हाँ दूसरा कुछ कह रहा था कोई बीच में, वर्क एनर्जी एंड, हाँ उसके क्या कह रहे हैं, इन दोनों चैप्टर, वर्क एनर्जी के बाद में कितना चैप्टर है ऐसा? अच्छा सर्कुलर मोशन हो गया आपका। हाँ, तो बस अब सेंटर ऑफ मास ही था, फिर वर्क पावर के बाद में सेंटर ऑफ मास था। हाँ खूब सारे चैप्टर हैं, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने कैलोरीमेट्री इसलिए ऐसा चैप्टर चूज किया है क्योंकि इसका पुराने चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं क्लास 11 कैलोरीमेट्री से भी शुरू कर देता ना, तब भी तुम्हें समझ में आ जाता है ना। फिर से बोलता हूँ कि भाई कैलोरीमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, या जो आने वाले दो तीन टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनका पुराने टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। तो इसी वजह से चाहे आपका सर्कुलर मोशन हुआ, चाहे आपका न्यूटन्स लॉ हुआ, या चाहे कुछ भी ना हुआ हो, आपको ये टॉपिक पढ़ने में बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आफ्टरनून में मोइन सर होंगे, एमके सर। हाँ, हाँ जी बोलो, ये वाला 11th का पार्ट है। सेंटर ऑफ मास के लिए जगह नहीं छोड़ना रे बाबा, तो क्या कर कि अभी तू कौन सी क्लास में, मतलब उसमें है? ओके अप्रैल में है ना? ओके, तो यार अभी मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा, करीब 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 है ना, थोड़ा ज्यादा ही छोड़। हाँ 20-25 पेजेस छोड़ दीजिए, और अगर बच गया तो उसमें कुछ लिख ही देंगे अपन, रफ वर्क कर ही सकते हैं है ना, तो 25 पेज तो छोड़ ही देना है ना, 25 पेजेस छोड़, ठीक है 25 पेजेस छोड़ दीजिए। जुलाई क्लास के लिए बच्चा यार इट इज रिकमेंडेड कि आप पेजेस ना छोड़ें, क्योंकि आप अलग अलग कॉपी बना लेंगे तो सही रहेगा, अलग मतलब एक छोटी सी कॉपी या कुछ बना दो, क्योंकि दोनों अलग अलग रहेंगे ना, और एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता पाऊंगा कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस गैप है, बड़ा है। हाँ, किसमें?
मोइन सर रहेंगे, मोइन सर रहेंगे बच्चा, मोइन सर रहेंगे। हाँ, वो लोड नहीं हो रही थी, मैंने खुद किया। एक मिनट रुको रुको रुको। आज क्या ये पहली क्लास है क्या आपकी? अच्छा, नहीं, मतलब आज की पहली क्लास है क्या ये? ओके ओके, हाँ फिर ठीक है। अरे बाप रे, मजा आ रहा है मेरे को तो, है ना। बहुत बहुत दिनों बाद में इतनी भरी भरी क्लास फील हो रही है मेरे को कि भाई ऐसा होता है ना। तो चलो अच्छी बात है। तो देखो यार, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वही वही बड़ी, मतलब मेरी एनर्जी पता है बहुत ज्यादा हो गई आज। अभी पहली क्लास लेके आया मैं 12th वाले बैच में, 12th IIT में, और अभी इधर आ रहा हूँ ना, तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि भाई तुम लोगों की इतना चल। हाँ बस बस, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि ऐसा क्लास मुझे लगता है पहले ही कर लेना चाहिए था अपने को। चलो एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। तो अब आते हैं यार, अब मुझे लगता है कि सारी जनरल एक क्वेरीज जो हैं वो अपनी खत्म हो गई हैं। कुछ भी अगर किसी को लगता है तो बता सकते हैं अभी भी। हो गए, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका पुराने टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। तो किसी ने सर्कुलर मोशन किया है या नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने सेंटर ऑफ मास किया है या नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने वर्क पावर किया है या नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपने न्यूटन्स लॉ भी नहीं कर रखा है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस थोड़ी सी बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल जरूर हो सकता है, और मुझे लगता है बेसिक मैथ्स सभी ने कर ली है। ठीक है, तो हाँ जी, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये जो कैलोरीमेट्री चैप्टर है, कैलोरीमेट्री चैप्टर है, इसका महत्व, इंपॉर्ट, डिफिकल्टी अगर बात करें तो डिफिकल्टी ऐसा, अगर बात करें तो ये इजी और मॉडरेट के बीच में फंस जाएगा पहली बार। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो देखो यार, ये पहले मैं बताता हूं इसमें होता क्या है। इसमें होगा कि यार एक चीज गर्म होगी, एक चीज ठंडी होगी। गर्म से ठंडी में एनर्जी जाएगी और ठंडी अब्सॉर्ब कर लेगी। तो इसमें एक ही फंडा काम आएगा कि भाई गर्म ने जितनी एनर्जी दी ठंडी ने उतनी एनर्जी ली, खत्म। बात, पूरा चैप्टर इसी बेसिस पर काम करेगा। तो ये जो, हाँ जी, पूरा चैप्टर इसी बेसिस पर काम करेगा, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत खास दिक्कत आपको होने वाली है। अगर मैं महत्व की बात करूं कि इसका पेपर में कितना इंपॉर्टेंस है, तो यार कहीं भी मैं अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, और या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए लगभग पैटर्न जो है वो सेम ही है कि कैलोरीमेट्री के अगर सवाल बनते हैं तो इट इज, मतलब हाईली चांसेस इसके कम होते हैं कि कई बार चांस बना भी कि दिखेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी दिखेगा। तो मतलब कभी हो सकता है कि इस साल पेपर में आ जाए, हो सकता है इस साल पेपर में ना भी आए। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम इसको छोड़ दें सर? जी बिल्कुल नहीं। देखो यार, मैंने आपको बता दिया था ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, कॉमन सेंस पर आधारित है, और इसमें हमें कोई खास दिक्कत होगी नहीं समझने में, है ना। कैलोरीमेट्री में कोई खास दिक्कत होगी नहीं समझने में, और मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई खास एफर्ट लगेगा भी। तो एफर्ट नहीं लगेगा तो कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा, है ना। एफर्ट लगेगा भी नहीं, आप आसानी से हो जाएगा, आपको कोई ऐसा लोड बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे कि भाई जो रोटेशन वाला एक चैप्टर बनता है ना, एक रोटेशन नाम से चैप्टर बनता है जो 11th में ही होता है, बहुत ही मतलब बड़ा चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और लंबा भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो हाँ, रोटेशन डायनामिक्स, तो उस चैप्टर में आपको काफी एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। उस चैप्टर में आपको काफी एफर्ट करने पड़ेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसकी बात करता हूं कैलोरीमेट्री की, तो एज सच बहुत ही आसान चैप्टर है। तो कैलोरीमेट्री में हम क्या बातें करेंगे? कैलोरीमेट्री में हम बात करेंगे कि एक बॉडी ने एनर्जी दी, दूसरे ने ली, है ना, उसकी बात की जाएगी कैलोरीमेट्री में। तो इसमें लिखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अभी 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 रुक तो जा, अभी लिखने दे, पहले लिख ले फिर बताऊंगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
दैट टेक्स प्लेस सोलली ड्यू टू difference of temperature, is called heat flow or heat energy. And that amount of energy flow, is called heat. And that amount of energy flow is called heat. तो देखो, दो बॉडी हैं, यहां पर मैंने कह दिया बॉडी नंबर ए, यहां मैंने कह दिया बॉडी नंबर बी. तो देखो, ए का टेम्परेचर मैंने कह दिया 30 डिग्री सेल्सियस, बी का कह दिया 15 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर मैं कहता हूं कि भैया ए का टेम्परेचर है ज्यादा, बी का टेम्परेचर है कम, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी यहां पर गई, एनर्जी ट्रांसफर, जितना भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, उस एनर्जी ट्रांसफर को ही हम हीट कहते हैं. तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई बताओ, इस बॉडी का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ इसकी अमाउंट ऑफ हीट कितना है, तो क्या ये शब्द जो मैंने इस्तेमाल किए, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या ये क्वेश्चन ही सही है या गलत है? गलत है. क्यों गलत है? बिल्कुल. या मैं और बेटर वर्ड्स यूज करूं तो हीट हमेशा कब डिफाइन किया जाता है? जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसको हीट बोला जाता है. और वो भी कौन सी? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसे हीट कहा जाता है. रिमेंबर, इस बॉडी की मैं पूछता हूं हीट बताओ, उसका कोई मतलब नहीं है. हीट हमेशा क्या है? जब भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर है उसे हीट कहा जाता है. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, लिखें एक पॉइंट बनाकर, द टर्म हीट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी. The term heat should not be used for amount of energy in the body because heat is only defined for transfer of energy due to temperature difference. Transfer of energy due to
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यार ये तो मैंने बनाया था दिमाग में, तूने बता क्या लिखा उसके आगे, मैं बताता हूं क्या लिखा। ओके परफेक्ट। तो हीट क्या है, ये एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर है तो इसकी एक यूनिट भी होगी, यूनिट होगी तो यहां पर कहा गया कि इसकी एसआई यूनिट ऑफ हीट जो लिखा जाता है दैट इज जूल, है ना। एसआई यूनिट फॉर हीट इज नोन एज जूल। अच्छा क्या ये बताइए, ये एक वेक्टर होगा कि स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है, एनर्जी तो क्या होगा स्केलर होगा। तो शायद आपने सुना होगा कि हीट के लिए एक और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है और दैट यूनिट इज कैलोरी। तो लिखें अनादर यूनिट फॉर हीट इज कैलोरी, अनादर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। तो क्या कोई बता सकता है कि वही कैलोरी क्या होता है, कितना कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है। वेरी गुड, समझ में तो मुझे एक भी नहीं आया लेकिन हाँ अच्छा लगा सुन के इतनी एनर्जी। तो ये अप्रोक्सीमेटली अपन क्या लिखते हैं 4.16 जूल, या इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, या अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्टली लिखे तो 4.16 जूल। तो चलो ठीक है, अब देखो जैसे ही ये यूनिट आई तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। क्या सवाल आया सर? तो देखो यार, जैसे मान लो हमारे पास दो अलग अलग यूनिट क्यों बनाते हैं, वो यूनिट ऐसे बनाते हैं जहां पर जैसी जरूरत होगी वैसे ही हम उसको यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं अगर डिस्टेंस मेजर करता हूं कहां से, औरंगाबाद से मुंबई तक, तो बताइए ये डिस्टेंस क्या सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, किलोमीटर में करेंगे। चलो ठीक है, बताओ मेरे सामने जो पेन रखा हुआ है उसको क्या मैं किलोमीटर में मेजर करूंगा, नहीं, वो क्या करेंगे सेंटीमीटर में कर लेंगे या ज्यादा ज्यादा मिलीमीटर में कर लेंगे, है ना, लेकिन किलोमीटर में तो नहीं करेंगे। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, यहां से एक आइडिया लग रहा है कि यार ये जो यूनिट हम चेंज करते हैं कि सेंटीमीटर किलोमीटर या मीटर, उसमें ऐसा 10³ का अंतर है कि मीटर और किलोमीटर में 10³ का अंतर है ना, और ऐसे बड़े बड़े अंतर है कि दो यूनिट में बड़े बड़े अंतर है। लेकिन यहां अगर मैं देखूं तो यार 1 कैलोरी और ये जूल में जो अंतर है ये कोई बहुत खास अंतर तो नहीं है, बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि यार ये फिर मतलब दो यूनिट ही क्यों करी, कि कैलोरी थी तो फिर जूल क्यों बना दिया, मतलब बड़ी दो यूनिट अलग अलग कब जरूरत पड़ती है कि एक यूनिट बड़ी बना दे एक यूनिट छोटी बना दे, छोटे मेजरमेंट के लिए छोटी यूनिट कर लो, बड़े मेजरमेंट के लिए बड़ी यूनिट का इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैंने जब इसे देखा तो क्या पाया कि कैलोरी और जूल में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। तो मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि यार जब कैलोरी अगर यूनिट बन गई थी तो जूल क्यों बना दिया फिर, या जूल अगर यूनिट बन गई थी तो कैलोरी क्यों बना दिया फिर। तो एनीबडी कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्यों रहा होगा, कैलकुलेशंस के लिए। अरे तो ये कंपेरेबल यूनिट्स हैं, लगभग लगभग कंपेरेबल यूनिट्स हैं, तो दो अलग अलग यूनिट बना के तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा ना, है ना। दो अगर ऐसा होता कि 1 जूल मतलब 1 कैलोरी बराबर 1000 जूल, तो समझ में भी आता है कि यार ठीक है 1000 है तो वो मतलब बड़ी यूनिट हो गई, लेकिन 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है, ये तो मतलब बराबर सही है, कंपेरेबल ही है, बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है ना। बहुत नहीं, अरे बाबा जैसे दोबारा बोलो किस लिए। ओके, मतलब शायद सही सोच रहे हैं, मैं और बेटर बता दूं कि देखो यार मतलब आप समझ लो कि आप 200-300 साल पहले चले जाओ, है ना, आप बैठे हो
और उस टाइम पे तो ना तो गूगल था ना कुछ था, है ना, सब कुछ जो भी था, है ना, सब कुछ जो भी था अपने पास में, इंफॉर्मेशन एक तो ट्रैवल बहुत आसानी से तो नहीं करती थी, दूसरी बात ये कि हमारे पास में ये जो कैलोरी है वो किस लिए डिफाइन किया गया था, हीट की एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी एनर्जी ट्रांसफर है उसको हमने कैलोरी यूज किया था, और जो वर्क डन वगैरह था या काइनेटिक एनर्जी था या पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए जूल यूज किया था। और देखो समय के साथ में, है ना, पहले हमें मालूम नहीं था, पहले हमें नहीं मालूम था कि भैया ये जो हीट वाली एनर्जी है, वो जो हीट वाली एनर्जी है और वो जो काइनेटिक एनर्जी वाली एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी वाली एनर्जी है वो इंटरकन्वर्टेबल है, ये हमें नहीं मालूम था। क्योंकि इमेजिन करो ना, 200-300 साल पहले, 200-300 साल पहले ना तो कार थी ना तो ट्रेन था ना कुछ था भाई, तो उस टाइम पर हमें इनका संबंध नहीं मालूम था, किनका, हीट वाली एनर्जी का और ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का, इनका संबंध नहीं मालूम था। हमें ये अज्यूम करके चल रहे थे कि हाँ भाई हीट नाम की कोई अलग चीज होती है और ये जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क डन इस नाम से कोई और चीज होती है, और इन दोनों का आपस में कोई खास संबंध नहीं है। तो ये दोनों क्वांटिटीज अगर अलग होंगी तो इसलिए अलग अलग यूनिट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस फिलॉसफी से, इस सोच के साथ में इन लोगों ने दो अलग अलग यूनिट बना दी कि भैया जूल वर्क डन की यूनिट है या काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है या पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी वो जो हीट ट्रांसफर वाली जो एनर्जी होगी उससे यूनिट है। पहले हमें कोई पता नहीं था कि भैया इनमें कोई संबंध होता है, कि ये इंटरकन्वर्टेबल होती है कि नहीं होती, कि ऐसा कोई आइडिया नहीं था। इसी वजह से इनको दो अलग अलग क्वांटिटीज मानते हुए दो अलग अलग यूनिट आ गई। अब दो अलग अलग यूनिट आ गई तो अब तो हमें मालूम हो चुका है ना सर कि यार हीट को और ये जूल को संबंध हमें मालूम है, तो अब दो यूनिट क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब ये यूज करने का रीजन क्या है? हिस्टोरिकल रीजन कि भाई कन्वेंशनली इतने सारे सालों से कैलोरी और जूल दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं, तो अभी भी ये आगे भी एग्जिस्ट करते रहेंगे। मतलब क्या है कि कन्वेंशन बन चुका है ना कि भाई कैलोरी कैलोरी वगैरह जो है वो भी यूज की जा रही है, जूल वगैरह है वो भी यूज की जा रही है, और जनरली हीट में हम क्या करेंगे, कैलोरी ही यूज करेंगे, और हमारे जो क्वेश्चंस होंगे हम तो चाहेंगे कि भैया जूल में ही करें, क्योंकि ऐसा यूनिट्स जो होती है ना हमेशा अपनी सेहत के लिए अच्छी रहती है। कैलोरी वगैरह जो ये ऐसी यूनिट्स हैं जो कि मतलब हिस्टोरिकली बनी आ रही है, लेकिन इसका कोई अभी खास महत्व है नहीं। तो चलिए अब जैसे जूल के बारे में तो हमें पता है कि यार जूल को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कौन कैलोरी को भी एक डेफिनेशन है, कैलोरी का भी एक डेफिनेशन है। तो कैलोरी के बारे में लिखें, कैलोरी के बारे में लिखें, इसमें लिखें, वन कैलोरी इज अमाउंट ऑफ, वन कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, हाँ जी हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिखो लिखो, वन कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वॉटर, 1 ग्राम ऑफ वॉटर फ्रॉम, 1 ग्राम ऑफ वॉटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस,
14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर, अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर, अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो देखो ये जो डेफिनेशन है इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो, दोनों सेम ही है बच्चा, डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, तो अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या है, कैलोरी को डिफाइन किया है, इसमें अमाउंट क्या लिया हमने, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और उसको कहां से कहां, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया। तो सर ये 14.5 से 15.5 ही क्यों लिया, क्या मैं इसे 20 से 21 नहीं कर सकता था क्या, क्या मैं इसे 25 से 26 नहीं कर सकता था क्या। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि यार उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये है 14.5 से 15.5। तो सर क्या 14.5 की जगह में अगर ये यूज कर लूं तो क्या अंतर आ जाएगा क्या? तो अगर मैं आइडियली बात करूं तो कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो अंतर आ जाता है। तो वो एकदम माइन्यूट सा, एकदम हल्का फुल्का सा अंतर आ जाता है कि जब पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें और जब पानी को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो दोनों की जो अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड है दोनों में हल्का फुल्का अंतर आ जाता है। और इसी वजह से हमें एकदम प्रिसाइजली बताना पड़ा कि भाई हम जो भी करेंगे वो 14.5 से 15.5 के बीच में करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि 25 से 26 की जो एनर्जी हो जाएगी वो कम या ज्यादा कुछ हो जाएगी, तो वो कम और ज्यादा हो गई तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो ठीक है, दूसरी बात मैं करता हूं कि यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों दिया होगा ये सोचते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम आते हैं प्रेशर कुकर पे। तो एक चीज बताओ कि प्रेशर कुकर जो है वो मतलब प्रेशर कुकर ही क्यों करते हैं, मतलब अपन उसमें खुले बर्तन में पानी को गर्म क्यों नहीं करते, या मतलब बॉईल क्यों नहीं करते, ऐसे चावल क्यों नहीं बनाते, प्रेशर कुकर में ही क्यों करते हैं? क्या होता है, नहीं मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर कुकर की वर्किंग में बताता हूं। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड बच्चा। तो देखो क्या होता है कि प्रेशर कुकर में आपको शायद पता हो ऊपर एक सीटी होती है ना, और उसको अपन गर्म करेंगे तो पानी जब गर्म होगा ना तो वो अंदर का प्रेशर बढ़ा देगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ गया तो वहां पर पानी का जो टेम्परेचर, हमें पता है बॉइलिंग टेम्परेचर पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर बढ़ने के साथ में पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वो भी बढ़ जाता है, वो 120-130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस चीज को और डेप्थ में आप समझेंगे केमिस्ट्री में, कि ये टेम्परेचर चेंज है ना वो आपको केमिस्ट्री में और डेप्थ में समझाया जाएगा। जब मिक्सचर अगर कर दिया जाए, जैसे पानी में अगर शक्कर मिला दूं तो क्या किस तरह से अफेक्ट होगा उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सभी चीजें केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो मैं बस आपको ऊपर से टच करवाता हूं, बताता हूं कि प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो पानी की जो गर्म होने की प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुणधर्म है, जो उसका करने का तरीका है, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर डिफरेंट हो जाता है कि भैया प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो पानी को जो हीट अब्सॉर्ब करने का जो उसका तरीका है, जो नखरे हैं, वो अलग हो जाते हैं, और इसी वजह से अलग अलग प्रेशर पर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट या कम अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। इसीलिए डेफिनेशन में हमें बताना पड़ा कि भैया 1 कैलोरी के टाइम पर जब हमने मेजरमेंट किए तो जो प्रेशर रखा वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर रखा, ज्यादा मत रख देना, कम मत रख देना, हम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के दौरान में
14:30 से 15:30 के बीच में जो एनर्जी लगी होगी उसी को हम कहेंगे उसी को हम कहेंगे कैलोरी। चलो समझ में आता है इतनी बात। ओके, तो देखो अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर टेम्परेचर शब्द का इस्तेमाल बहुत होगा। तो आप क्या समझते हैं टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर शब्द से क्या समझते हैं? कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो ज्यादा गर्म होगा, ऐसा? लेकिन देखो गरम और ठंडा जो है वो इस बात से डिपेंड करता है कि भाई, एक मिनट, अब जैसे मान लो ये है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर। अभी मैंने क्या किया, मेरा हाथ जो है मैंने आइस में रखा हुआ था, आइस में से मैंने हाथ को निकाला और इसको टच कर लिया, इस ब्लॉक को। तो बताओ ये गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा? गर्म लगेगा। अब मैंने अपना अपना जो हाथ था मेरा, अभी मैं अपने हाथ को कहां से लाता हूं कि मान लो ऐसे 50 डिग्री सेल्सियस की कुछ ऐसे ताप लग रहा था, उसको हाथ को 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ था, है ना, मान लिया ऐसे रखा, और फिर हाथ को मैं इधर चिपकाता हूं तो ठंडा लगेगा। तो बताओ दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर तो 20 ही था, तो गर्म होने से या ठंडा होने से तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि भैया इसका टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है। समझ पा रहे हैं ये बात, है ना? क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस को एक बार तो मैंने यहां पर हॉट फील किया और एक बार मैंने यहां पर कोल्ड फील किया, तो इसका मतलब एक ही ब्लॉक यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस ही एक बंदे को, एक इंसान को ठंडा फील होगा, एक को गर्म फील होगा। तो दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे, वो कहेंगे अरे भाई ये तो ठंडा है, दूसरा कहेगा अरे ये तो गर्म है, पागल है क्या तू? तो ऐसी लड़ाई कर लेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा अपने को, है ना, ऐसी लड़ाई कर लेंगे अपने को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब कोई और रास्ता होगा जो इसको जिसको डिफाइन करने में बताएगा, जो इस बात को डिफाइन करेगा। तो कोई और चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम देखना चाहेंगे कि भाई व्हाट इज टेम्परेचर, क्या ये 20 डिग्री का ब्लॉक, 20 डिग्री सेल्सियस का ब्लॉक यहीं पर रुका हुआ है? ये अगर रुका हुआ है मतलब कोई यहां पे कोई किसी की एनर्जी इधर उधर जा नहीं रही। तो अगर एनर्जी जा नहीं रही तो क्या हीट के बारे में बोलना सही रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो देखो मैं क्या बताता हूं कि एकदम बेसिक लेवल पर, एकदम माइन्यूट लेवल पर हमें यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने क्या किया कि बॉडी के अंदर घुस गया, बॉडी के अंदर घुस गया। बॉडी के अंदर कौन होते हैं बोलो? एटम होते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, यहां पर क्या होगा, बॉडी के अंदर में होंगे एटम। और अगर एटम होंगे, है ना, और अगर एटम होंगे तो वो सभी एटम, हालांकि अपने को सॉलिड बॉडी है तो वो उसको हिलते हुए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर एकदम जूम करते जाओ ना, अपन एकदम अंदर झांकते जाओ ना, तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, वो सभी एटम जो हैं अपनी अपनी जगह पर ऐसे ऑसिलेट करते हुए हैं, ऐसे ऑसिलेट करते हुए पाए जाते हैं, ऐसे रैंडम ऑसिलेशन रहता है सभी का, ऐसे 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 ऑसिलेशन कर रहे होते हैं, सभी पार्टिकल्स रैंडमली ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। तो यहां पर ये जो रैंडम ऑसिलेशन है, ये जो रैंडम ऑसिलेशन है उसका टेम्परेचर के साथ में हमने रिलेशन देखा कि भाई हमने देखा कि जब टेम्परेचर कम था, बॉडी का जब टेम्परेचर कम था तो वो जो ऑसिलेशंस की एनर्जी थी वो कम थी, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो एकदम एकदम मस्त डांस कर रहे हैं माइकल जैक्सन की तरह, है ना, यहां पर जो है एकदम मस्त डांस कर रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ में। तो यही अंतर आ जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर, कह सकते हैं ये, लग सकते हैं दिस इज डिग्री ऑफ रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ
डिग्री ऑफ रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ द बॉडी, एटम्स ऑफ द बॉडी, हां बताता हूं, लिखें डिग्री ऑफ रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ, डिग्री ऑफ रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ बॉडी, एटम्स ऑफ बॉडी लिखो, डिग्री ऑफ रैंडम, डिग्री ऑफ रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ एटम्स, रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ बॉडी। क्या ये शब्द बता सकते हैं डिग्री का मतलब क्या है? हाँ जी, डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब यह है कि जैसे मान लो अमाउंट की बात कर रहा है कि भैया किसी के पास अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, या किसी के पास में अमाउंट ऑफ रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी अगर कम है तो उसका टेम्परेचर कम रहा होगा। तो ये डिग्री नाम से हम क्या समझ रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं कि रैंडम ऑसिलेशन एनर्जी की वो अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो डिग्री शब्द का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा रहा है। इज इट क्लियर? ओके, रैंडम ऑसिलेशन की काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। रैंडम ऑसिलेशन की, ये जो रैंडम ऑसिलेशन की जो एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो बिल्कुल उसको हम कह सकते हैं कि भैया जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अब हम इस तरीके से हमेशा सही होंगे। अब ठंडा और गर्म के हिसाब से तो हमें क्या हो रहा था कि कहीं पर सही कहीं कभी, तो मतलब ठंडा और गर्म के हिसाब से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। कि जैसे मैंने देखा था ना अभी, कहां गई वो बॉडी, ये रे, कि जैसे मैंने इस बॉडी को देखा था 20 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकती है कि ये वाली बॉडी कभी गर्म लगे, हो सकती है ये वाली बॉडी कभी ठंडी लगे। बट ये जो तरीका है ये तो गलत हो गया, मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं अगर उनकी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की बात करता हूं तो मैं उसके अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि हाँ भाई, यहां पर एनर्जी ऑसिलेशन हमारे पास बिल्कुल उतनी ही बनी रहेगी, चाहे हम ठंडी जगह से आए चाहे हम गर्म जगह से आए, हमारे पास रैंडम ऑसिलेशन की एनर्जी उतनी ही दिखेगी। यानी कि हाँ, ये समझ में आ जाएगा कि भाई इतनी एनर्जी है तो मतलब इतना टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। अब देखो, टेम्परेचर मेजरमेंट हम करते हैं तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में कई सारी यूनिट्स होती हैं, और जो काफी प्रोमिनेंट यूनिट्स जो हैं वो क्या है, वो है एक तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फिर एक होता है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा क्या होता है केल्विन। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होगी वो होगी केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, That is Kelvin. तो डिग्री के लिए मैं बात करता हूं कि यार एक मिनट मैं यहां लिख लेता हूं कि ये मैंने लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे पास ये पहला अगर मैं लिखता हूं डिग्री में, हाँ जी, नहीं ये सेपरेट होने की कोशिश नहीं करते हैं। वहां पर क्या होना है ना कि मैं बता रहा हूं कि देखो क्या होता है कि हर एक पार्टिकल जो अपनी अपनी जगह पर है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ गई तो ये पॉसिबिलिटी जरूर होती है कि भाई वो अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो बॉन्ड बना हुआ था, जैसे मान लो N2 था, तो N और N, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक कोवेलेंट, कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना? बॉन्डिंग वगैरह पढ़ ली है ना केमिस्ट्री में?
हाँ तो उसमें होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है कि तू भी रख ले मैं भी रख लेता हूं, अपन दोनों के बीच में जेब में रख लेंगे अपन। तो अब देखो कि हमारे पास में जब एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ गई तो यहां पर ये एन और एन, ये मैं अगर एन और एन कहता हूं तो ये अपनी जगह पर ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये अपनी जगह पर ऑसिलेट करेगा। तो व्हाट विल हैपन कि अगर इस ऑसिलेशन की एनर्जी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू, ये जो एनर्जी की वजह से इधर जाने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द बॉन्ड, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक कर जाएं, है ना, इट मे बी पॉसिबल कि वो ब्रेक कर जाएं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएं इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद में है ये डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और तीसरा है हमारे पास में केल्विन। तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट वाटर की बात कर रहे हैं, कि वाटर सारी चीजें जो हो रही है ना ये वाटर की बात कर रहे हैं। तो बताइए डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जो आइस से हम पानी में बदलते हैं तो 0। अरे रे आइस, अरे 0 रे बाबा, तो ये 0 हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। फ़ारेनहाइट के लिए किसी को मालूम है क्या, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट, चलो केल्विन के लिए बताओ, ये आ जाएगा 273 से 273 तो ये आ जाएगा, मैं कह सकता हूं कि 273 से 373, और इसमें जो बनता है वो बनता है 32, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना होता है, 212। बिल्कुल, कौन सा रे ये कह रहा है, क्या किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 32। नहीं रे बड़ा, नहीं, हाँ जी 32 ही है रे बड़ा, 32 ही है, डोंट वरी 32 ही है ना, इन दोनों का डिफरेंस 180 होता है, एकदम याद है मेरे को, अच्छी चकाचक। ठीक है, तो 32 ये, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां पर देखो डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। अब देखो कि यार तुम लोगों ने सोचा कि यार इन लोगों ने तो मतलब सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन लोगों ने तो अपना स्केल बना दिया, तो अभी चाहे तो नमो कल उठ के बोल सकता है कि कल से नमो स्केल में मेजर करूंगा, और अगर नमो स्केल मुझे अगर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए चाहिए तो मुझे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए, वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो उस बारे में अगर बात करें कि भाई अगर हम चाहते हैं कि कोई खुद से ही स्केल बना दूं, कल से मैं डिसाइड करता हूं कि शीर्ष स्केल यूज किया जाएगा, कल से टेम्परेचर को डिग्री शीर्ष में मापा जाएगा, तो डिग्री शीर्ष में मापने के लिए सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा स्केल का दूसरे स्केल के साथ संबंध कितना है, कि सेल्सियस में कितना संबंध है, या फ़ारेनहाइट में कितना संबंध है, या फिर केल्विन में कितना संबंध है। तो उस रिलेशनशिप को और डिटेल में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अपने नेक्स्ट सर आ गए हैं क्या, बोलो, अच्छा ये लास्ट लेक्चर है, ओके ओके ओके, ठीक, तो चलो, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो सर, सर सर हाँ लेफ्ट होके फिर वापस ज्वाइन करना रे बच्चा, जैसे कभी होता है ना कि मेरी स्क्रीन ना दिखे तो आप मीटिंग, हाँ, तुमने क्या किया, ओके बच्चा, चलो चलो चलो, बाय 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 बाय, हाँ बोलो बाय सर बाय, ठीक है तन, हाँ हाँ तन्मय, बोलो बोलो बोलो, हाँ, अच्छा, वो स्क्रीन शेयर वगैरह ऐसा कुछ क्या,
ओके 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 ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ओके चलो ठीक है ठीक है। मंडे टेस्ट, अरे तो जाओ। हाँ मयूर बोलो। ओ मंडे टेस्ट, तो मंडे टेस्ट में यार अभी मुझे देखना पड़ेगा कि सबका पेपर अलग अलग है कि सेम है। तो आपकी जो दिन वाली क्लास होगी ना, तो मैं उसमें अनाउंस करवा दूंगा, ठीक है, या आपके बैचेस में भी मैं मेंशन करवा दूंगा कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। ओके ओके, चलो बच्चा, बाय 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 बाय। Observe maximum precaution till a cure is found. Do not become complacent. Jab tak dawai nahi.